देवी संतोषी, आज आप अपनी भक्त की सहायता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको तो ज्ञात ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब पूजा तभी होगी जब ये दिया जलेगा, लेकिन माचिस से नहीं, तुम्हारी संतोषी माँ के चमत्कार से। आज आपकी शक्ति और आपकी भक्त के विश्वास पर प्रश्न उठने वाला है। तुमने जो किया है वो कोई छोटी गलती नहीं है। तुमने सब लोगों के सामने संतोषी की मांग में सिंदूर भर दी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास है, और इस संतोषी को अपनाने का आदेश भी क्रांति माँ का ही है। आपकी बेटी यहाँ रह सकती है, लेकिन आप लोगों को यहाँ रोककर हम और मुसीबतों को न्योता नहीं देना चाहते। अच्छे लॉयर की ना वैल्यू ही नहीं है। अर्जुन, मेरा मूड ऑलरेडी अपसेट है, और कुछ मत बोलना प्लीज। यश मुझे नहीं मिल रहा और परेशान तुम हो रही हो। अर्जुन, आई थिंक जो कुछ भी डेरिया की शादी में हुआ है उसमें जरूर भाभी का हाथ है। आई मीन डेरिया और रिया के ब्रेकअप होने से लेकर डेरिया और संतोषी की शादी होने तक ये जरूर भाभी का प्लान है। व्हाट? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या, या फिर सास बहू के शो ज्यादा देख रही हो, ऐसी भेकी भेकी बातें कर रही हो? आई एम वेरी सीरियस अर्जुन। नुपुर, जब मैं भाभी के लिए कुछ कहता हूँ तो तुम उनका साइड लेती हो, लेकिन आज अचानक तुम उनके अगेंस्ट बोल रही हो। Are you okay? I'm okay, Ujjwal. I'm perfectly fine. अब भाभी के साथ रिलेशन मेंटेन करना एक फॉर्मेलिटी है, और मैं नहीं चाहती ये रिलेशंस के चक्कर में हमारा कहीं नुकसान हो जाए। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। Okay, जिस दिन डेरे की दोबारा एंगेजमेंट हो रही थी ना, संतोषी की फैमिली हमारे यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि भाभी ने उन्हें यहाँ बुलाया था? Exactly. क्योंकि मैं और तुम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और प्रताप भैया भाभी के बिना पूछे कुछ करते नहीं। So, अब जब किसी ने ये कुछ भी नहीं किया, जरूर भाभी ने किया होगा। तुम्हारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं? Okay, listen. जो लड़की भाभी को बिल्कुल पसंद भी नहीं थी, उसको बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, वो भी पूरी दुनिया के लिए, आपको ये अजीब नहीं लगता? आई मीन थिंक अबाउट इट, डेरिया को बेटा मानती है ना, और कोई माँ अपने बेटे की लाइफ कैसे खराब होने देगी? सी, अगर भाभी चाहती तो वो ये मैटर इजीली सेटल भी कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसे किया नहीं, क्योंकि उनको देवरानी के रूप में एक ऐसी लड़की चाहिए, एक ऐसी लड़की जो उनके इशारे पे नाचे। वो चाहती थी कि डेरिया और उसकी वाइफ दोनों अपने कंट्रोल में रखे। नुपुर, अगर ऐसा है भी तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी फर्क ना पड़े उज्जवल, बट इन फ्यूचर वी नेवर नो, हैव टू बी केयरफुल। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं तो आप लोग की हेल्प कर रहा हूं ना। मुझे लगा कि अगर भजन चलेगा तो आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। और संतोषी, बहुत वेट करवा लिया तुमने, अब जल्दी से जाओ, बोलो अपनी मां को कि जल्दी से आए और ये दिया जलाए।
बहू जाओ और जाके समझाओ उसे। माँ जी हम धैर्य को क्या समझाएंगे, ये धैर्य और संतोषी के बीच का मामला है, हम कुछ कहेंगे ना तो धैर्य को बुरा लगेगा। क्या मजाक है धैर्य, तुम सुनते ही नहीं हो। पूजा पाठ के मामले में इस तरह की स्थिति ठीक नहीं है। हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता तुम्हें। माँ यहाँ आपकी पूजा की बात नहीं हो रही, यहाँ बात है संतोषी की और संतोषी की झूठी भक्ति की, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या है ना माँ कि ये जो संतोषी है ये झूठी भक्ति का नाटक करती है, और इनकी जो ये संतोषी माँ है ना ये कोई चमत्कार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर चमत्कार कर सकती तो अब तक ये दिया जल गया होता, पर नहीं दिया अभी तक नहीं जला। अदो ये सब क्या हो रहा है यहां? लो भैया भी आ गए, अब तो तुम्हारी संतोषी मां को चमत्कार दिखा नहीं होगा ना, भैया भी देखेंगे, है ना भैया? अरे दिखाओ ना, प्रूफ करो हम सबको, साबित करो। पर अगर नहीं कर सकती तो स्वीकार कर लो कि तुम्हारी संतोषी मां शक्तिहीन है, कोई पावर नहीं है उनके पास, और तुम हमें दिखाने के लिए ये सब ढोंग करती है। मधु बाहर धू, ये धैर्य अब क्या कर रहा है? वही कर रहा है प्रताप जो से करना चाहिए। इस संतोषी को संतोषी माँ पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। अगर इतनी शक्ति है उसकी संतोषी माँ में तो दिखाए ना वो चमत्कार और अपनी शक्ति से जला दे उस दिए को। अच्छा मधु सपोज करो कि वो दिया जल जाता है तो? ये तो मुमकिन ही नहीं है प्रताप, ये हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं हो सकता मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हो गया ना मधु तो ये हमारे चेहरे पर दूसरा थप्पड़ होगा। जब से संतोषी ने व्रत रखने शुरू किए हैं माँ की हालत में सुधार आया, और तुम जानती हो कि माँ के जो हाथ ठीक हुए हैं उसमें क्रांति माँ का कोई चमत्कार नहीं। ठीक, क्रांति माँ का चमत्कार नहीं, संतोषी माँ का है। ये कैसे साबित करेंगे? क्या संतोषी माँ खुद ऊपर से उतर कर आएंगी और कहेंगी ये हमने किया है? नहीं वो नहीं आएंगी मधु, वो नहीं आएंगी। लेकिन अगर वो दिया जल गया तो कहीं माँ और पापा की तरह धैर्य भी उनका भक्त ना बन जाए। हमारा धैर्य कभी संतोषी माँ की पूजा नहीं करेगा। आप टेंशन क्यों लेते हैं प्रताप, ऐसे प्रार्थना करने से क्या दिया जल जाता है? वैसे भी धैर्य जो भी कर रहा है वो संतोषी को मजा चखाने के लिए कर रहा है। एक बार संतोषी अपनी भक्ति में असफल हो गई तो देखना धैर्य उसके साथ क्या करता है। इस संतोषी का नाटक उस ज्यादा ही देख लिया, लेकिन आज के बाद वो कुछ भी कहने के लायक नहीं बचेगी, क्योंकि आज उसका विश्वास टूटने वाला है। सत्य कह रही है ये स्त्री, संतोषी का विश्वास अब अवश्य टूट जाएगा। पुत्र, अब वो समय आ गया है जब हमें हमारे कार्य की अगले पड़ाव की ओर बढ़ना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का विलंब हमारे कार्य को हानि पहुंचा सकती है। सत्य कहा माता आपने, अगला कार्य तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, हमें महाशक्तिशाली देवी संतोषी को परास्त करना है, चूंकि अत्यधिक कठिन कार्य है। हम जानते हैं पुत्र कि ये कार्य सरल नहीं, किंतु वज्र शक्ति ही शक्ति का सामना कर सकती है। देवी संतोषी शक्तिशाली है, परंतु तुम भी कम शक्तिशाली नहीं हो वज्र। माती शक्तिशाली तो आप भी हैं,
किंतु आप आज तक देवी संतोषी को परास्त नहीं कर पाई। माते, आपका अपमान करने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है। हम जानते हैं पुत्र, किंतु देवराज इंद्र की पत्नी होने के कारण हमारे कुछ सीमाएं, परंतु तुम बिना किसी सीमा के इस कार्य को कर सकते हो। ना तो तुम्हें किसी के प्रश्न का सामना करना है और ना ही किसी को कुछ उत्तर देना है। माते, आप निश्चिंत रहें, हमने योजना बना ली है कि किस प्रकार हमें देवी संतोषी को बंदी बनाना है। और माते, यदि हम देवी संतोषी को पाताल लोक ले जाने में सफल रहे तो उनकी सारी शक्तियां छिन जाएंगी और इस विजय का एक और बहुत बड़ा लाभ होगा। कैसा लाभ? देवी संतोषी की शक्तियां छिनने के बाद हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि उनकी सारी शक्तियां आप में विलीन हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ माते, तो देवी संतोषी के सारे भक्तों की आस्था का केंद्र परोक्ष रूप से आप हो जाएंगी। यानी कि देवी संतोषी की भक्त हमारी भक्त हो जाएगी, तब तो हम उसके संतोष को नष्ट कर देंगे। यानी कि देवी संतोषी की भक्त हमारी भक्त बन जाएगी, देवी पौलमी की भक्त, ईर्ष्या की देवी की भक्त। अब आप विश्राम कीजिए माते, हम अपने कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं। आज्ञा दे माते। विजय भव। किंतु पुत्र, हमें तुम्हारे कार्य की सूचना कैसे मिलेगी? माते, शंख से आपको क्षण क्षण की सूचना प्राप्त होती रहेगी। देवी संतोषी की शक्ति और भक्त संतोषी की भक्ति दोनों परास्त होने वाले, यानी कि एक वाण से हमारे दो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। देवी, अब हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। यदि कुछ अनुचित घटना घटित हो गई तो हम महादेव एवं गणपति को क्या उत्तर देंगे? आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हम महादेव का आवाहन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ध्यान कर रहे हैं और पुत्र गणेश वो यज्ञ के लिए गए, किंतु कुछ अनुचित हो उससे पूर्व हमें कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकालनी होगी। क्यों ना हम देवी संतोषी को उस मायावी शक्ति से अवगत करवा दें? नहीं देवी लक्ष्मी, यदि हमने ऐसा किया तो उस मायावी शक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए उसे ढूंढना असंभव हो जाएगा। इस समस्या से निकलने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। अब तो सूर्यास्त होने को जा रहा है बेटे, अब तो हमें पूजा करने दो। नहीं 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 नहीं, आज ये दिया आप नहीं जलाएंगे। वो क्या है कि आज ये दिया खुद से जलेगा, अपने आप जलेगा, या कहे तो संतोषी माँ के चमत्कार से जलेगा। अगर हम भी तो देखें कि जिस संतोषी माँ की इतनी गुणगान करती है ये, उनकी संतोषी माँ है कितनी शक्तिशाली। समझने की कोशिश कीजिए ना, ये व्रत हम काके के लिए रख रहे हैं। आज 15वां शुक्रवार है, अगर सूर्यास्त के पहले हमने पूजा नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। भगवान के लिए पूजा कर लेने दीजिए हमें। देखो, तुम मेरी माँ की फिक्र मत करो। वो क्या है, तुम फिक्र करो कि ये दिया कैसे जलेगा। सोचो कि अपनी संतोषी माँ को बुलाओगे कैसे। क्या है कि अगर तुम्हारी संतोषी माँ ने चमत्कार नहीं किया तो सबके सामने उनका अपमान हो जाएगा और तुम्हें नींबू खाना पड़ेगा।
अगर दिया जल गया तो क्या तुम संतोषी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे और इसे वो सम्मान दोगे जो इसकी हकदार है? हाँ दूंगा, दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो आप सब तैयार हो, उज्ज्वल भैया, विपुल भाभी, आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि अभी यहां चमत्कार होने वाला है। संतोषी माँ चमत्कार करेंगी इस दिए को जला के। अरे क्या हुआ? अरे शुरू करो अपनी भक्ति का पाठ, हम सब वेट कर रहे हैं। चलो चलो चलो। हमारे पति को क्षमा करना माँ। ऋषिवर यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषिवर आप यहाँ आइए। कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? गौ माता, हमने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया है, उसके लिए हमें संतोषी उपवन से एक पुष्प चाहिए। हम यहाँ देवी संतोषी से आज्ञा लेने आए हैं। ऋषिवर हम आपकी सहायता अवश्य करते, किंतु देवी संतोषी अभी ध्यान में है, उनके ध्यान को तोड़ना अनुचित होगा। ऋषिवर चाहे तो आप माता के उपवन से पुष्प ले सकते हैं, माता को तो प्रसन्नता होगी यदि उनके उपवन का पुष्प किसी उत्तम कार्य में प्रयोग होता है तो। नहीं गौ माता, देवी की आज्ञा के बिना ये कार्य करना उचित नहीं होगा। अगर आप ये कार्य कर दें तो हमें पुष्प मिल जाएगा। ऋषिवर माता के आज्ञा के बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, एक बार ध्यान पूर्ण हो जाए तो ये कार्य हम कर सकते हैं। आप हमारे लिए इतना सा कार्य नहीं कर सकती, तो ठीक है देवी संतोषी से कह दीजिएगा कि एक ऋषि उनके द्वार से खाली हाथ लौट गए। रुकिए ऋषिवर, आप इस प्रकार खाली हाथ चले गए तो माता अत्यंत क्रोधित होंगी। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम आपके लिए पुष्प लेके आते हैं। किसी भी प्रकार हमें देवी संतोषी को अपने मायाजाल में भटकाना होगा। एक बार वह इस पिंजरे में आ जाएं, उसके पश्चात वे हमारे वश में होंगी, किंतु यह कार्य हमें सावधानी से करना होगा। गौ माता, माते हमारे उदर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तो आपने हमें ध्यान से जगाया क्यों नहीं? माते हमें लग रहा था कि इतनी सी बात के लिए आपको जगाना उचित नहीं होगा,
माते। आप व्याकुल ना हो, हम अपने मंत्रों से अभी आपकी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। माते, ये पीड़ा इतनी सरलता से नहीं जाएगी, क्योंकि हमें अभी शाप मिला है। माते, कुछ समय पहले यहाँ एक ऋषिवर आए थे, जो एक पुष्प के लिए आपको ध्यान से जगाने की विनती कर रहे थे। हमने उन्हें रोक दिया, तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया। आप व्याकुल ना हो माते, इस पीड़ा का उपाय किष्किंधा पर्वत की एक विशेष दुर्वा में है। अगर हमें वो दुर्वा मिल गई, तो शीघ्र ही ये पीड़ा चली जाएगी। माते, हम स्वयं चले जाते, किंतु इस पीड़ा में जाना संभव नहीं है। कुछ कीजिए माते, पीड़ा सहन नहीं हो रही माते। हम आपके साथ चलते हैं। गौ माता, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि आपकी पीड़ा का उपचार किष्किंधा पर्वत की उस दुर्बा में है?